So hello, hi, and a very good evening to all of you guys. Welcome back once again to the channel. So 2 months ago, in fact 1 month ago, Anuj sir has discussed a timetable with you guys on how to crack RBI grade B in 60 days. He has discussed a 60 days timetable strategy for the upcoming RBI grade B exam. After watching that video, after watching that strategy, so many of you are asking this question, or are rather saying it, that timetable is actually unrealistic. Usko follow nahi kiya ja sakta. I don't know why you guys are asking this, why you guys are saying this. Ki wo itna zyada unrealistic hai, usko nahi kiya ja sakta. Dekho yaar, pehli cheez to ye hai ki if you want to crack this examination, there are no shortcuts. There is not even a single shortcut to clear any competitive examination in this world. Pehli cheez to apne dimag mein rakho, aur isko agar aapko lagta hai iski there is any shortcut, तो उसको अपने दिमाग से निकालो. नंबर वन. नंबर टू, आजकल आपको पता है कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है. इन एवरी एग्जामिनेशन, इन एवरी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, देर इज अ होल लॉट कॉम्पिटिशन. मतलब एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. अगर एक स्टूडेंट 100 पेजेस पढ़ के जा रहा है तो दूसरा 110 पढ़ के जाएगा. ऐसी हालत है. ऐसे में यू कैनॉट डू बजटिंग विद योर सिलेबस. जो भी आपका सिलेबस है वो आपको करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, आप ये मत पूछो बार बार कि यार ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है. सो इन टुडेज वीडियो, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू दैट इट इज पॉसिबल टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी इन 60 डेज इफ यू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, इफ यू हैव अ प्रॉपर प्लान. एंड फॉर दैट आई हैव अ 480 आवर स्ट्रेटजी फॉर यू. हो सकता है कि आपके लिए ये कुछ और हो. तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा दैट जो हमने टाइम टेबल डिस्कस किया था उसको हम रियलिस्टिक बना सकते हैं विद अ प्रॉपर प्लानिंग. एक अच्छी प्लानिंग के साथ उसको हम रियलिस्टिक बना सकते हैं, उसको कवर किया जा सकता है, आरबीआई ग्रेड बी को क्रैक किया जा सकता है इन द अपकमिंग 60 डेज. ऑलराइट, नाउ 60 डेज में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज नोटिफिकेशन अगर आज भी आ जाता है तब भी एटलीस्ट 45 डेज, मिनिमम 40 डेज तो मिलेंगे ही फॉर द फेज वन एग्जामिनेशन. और अगर लास्ट ईयर की तरह रहा तो 60 डेज में मिल सकते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास अभी 60 डेज के आसपास का टाइम है फॉर द फेज वन एग्जामिनेशन. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से एक चीज निकाल लो कि देयर इज एन माउंटेन ऑफ सिलेबस इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई हैव टू कवर. इस चीज को अपने दिमाग से निकालो कि मेरे सामने एक माउंटेन बना हुआ है सिलेबस का, और देयर इज एन ओशन ऑफ सिलेबस जिसको तैर के मुझे दूसरे तरफ जाना है. ये चीज अपने दिमाग से पहले निकालो. बाबू राव की तरह मत बनो कि भाई मेरे को 30 साल चाहिए इस सिलेबस को कवर करने के लिए. अगर बाबू राव की तरह करोगे तो ब्रो 30 साल में भी ये सिलेबस कवर नहीं हो पाए. ठीक है, तो करना क्या है. पहली चीज, सबसे पहली चीज जो करनी है अपने दिमाग से ये निकालना है कि ये जो माउंटेन ऑफ सिलेबस है इसको मुझे एक दिन में कवर नहीं करना. भाई इसके लिए मेरे पास 60 दिन है, तो जब मेरे पास 60 डेज है तो आई विल मेक अ प्लान ऑन हाउ आई कैन कवर दिस माउंटेन ऑफ सिलेबस, हाउ आई विल रीच एट द टॉप ऑफ दिस माउंटेन. ठीक है जी, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है. देखो, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जरूरी नहीं है कि हर कोई इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाए. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरीवन ऑफ यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है. बट मतलब एक जनरल आइडिया अगर हम इस स्ट्रैटेजी से ले सकते हैं सो दैट यू गाइस कैन डिवाइस योर स्ट्रैटेजी. तो देखो, आपको दिन के 8 घंटे पढ़ने हैं. अगर आप 60 दिन में आरबीआई का एग्जाम निकालना चाहते हो तो यार एटलीस्ट मेरे हिसाब से 8 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे. एंड आवर्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर यू नो योर वे ऑफ स्टडी, योर इंटेलिजेंस, योर ग्रेस्पिंग पावर, योर रिटेंशन पावर, इसके अकॉर्डिंग आवर्स जो है वो वेरी कर सकते हैं. राइट, सो इस 8 घंटे को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स. ठीक है, फॉर द फर्स्ट इन दीज टू आवर्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश. राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस. डोंट रन आफ्टर द कॉन्सेप्ट्स नाउ, डोंट रन आफ्टर द बल्कि बुक्स नाउ. If you are well aware of the concepts, if you are a banker or if you have a background in science or mathematics, then you can move ahead with the practice questions. Aap practice questions se aage badh sakte ho. Theek hai, you make use of reverse engineering here. Yahan pe reverse engineering ka aap istemal karoge aur bina किसी बल्कि बुक को उठाए हुए डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाओगे. कहीं से भी उठा सकते हो, चाहे वो किसी बुक से भी उठा सकते हो या गूगल कर सकते हो, कहीं से भी, फ्रॉम वेयर एवर यू लाइक. प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाओ, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक एंड इंप्रूव ऑन इट.
डेली 2 घंटे, और ये केवल आपको करना है अगले 1 महीने के लिए। एंड आई बिलीव अगर आप अगले 1 महीने तक डेली 2 घंटे कोल्ड रीजनिंग और इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ एटलीस्ट ऑफ ऑल दीज 3 सेक्शन। इंग्लिश में तो आप ज्यादा लेके आ सकते हो, राइट। क्वांट और रीजनिंग में तो आजकल ये हालत हो गई आरबीआई में कि अगर आप सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर लो तो बहुत है, ठीक है, तो आप उस पोजीशन में आ जाओगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक चीज जो कि मैं शुरू में बोलना भूल गया, इफ यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, देन अभी इस वीडियो को बंद कर दो, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ये वो वीडियो उनके लिए है जो थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं या सीजीएल की तैयारी कर चुके हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इनफैक्ट आरबीआई के रिपीटर हैं, तो ये उनके लिए है। इफ यू आर अ फ्रेशर विद नो नॉलेज एट ऑल, अभी बंद कर दो, आपके लिए नहीं है। प्लीज बाद में मेरे से ये मत कहना कि 60 दिन आपने बताए थे, हमने आपको फॉलो किया, कुछ नहीं हुआ, आपके लिए है ही नहीं, राइट, ठीक है। सो 2 घंटे आपको देने हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली करना है अगले 1 महीने के लिए। उसके बाद यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट। अभी आप यहां पे चैप्टर वाइज उठा सकते हो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट लेने हैं फेज 1 के, ठीक है, जिसमें कौन रीजनिंग इंग्लिश जीए सब कुछ होगा आफ्टर 1 मंथ, राइट, ठीक है, ये आपको करना है इस 2 घंटे में। उसके बाद यू कैन टेक अ गैप, देन 3 आवर्स, अगले 3 घंटे जो होंगे आपको वो देने हैं किसको, अपने फेज 2 सिलेबस को, किसको देने हैं, फेज 2 सिलेबस को। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि फेज 1 में तो फेज 1 तो अभी हुआ नहीं, आप फेज 2 सिलेबस की बात पहले कर रहे हो, भाई साहब फेज 1 और फेज 2 के बीच में करीब 25 से 26 दिन का या 30 दिन का टाइम मिलता है, तो हाउ वुड यू बी एबल टू कवर द एंटायर फेज 2 सिलेबस इन दोस 25 डेज अलोंग विद द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आई एम हियर टू टॉक रियालिटी, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, और आप जब पूरी वीडियो या स्टडी समझ जाओगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। मे बी सम ऑफ यू यू नो आप मेरे से अग्री नहीं करोगे, हो सकता है आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी हो, नो प्रॉब्लम्स, मेरे दिमाग में ये आया तो आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। तो अगले 3 घंटे में आपको फेज 2 सिलेबस करना है। नाउ फेज 2 सिलेबस जो हमारे कोर्स में है फाइनेंस मैनेजमेंट और ESI, उसमें 76 चैप्टर्स है टोटल, इंक्लूडिंग ESI, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, टोटल वी हैव टॉट दीज 3 सब्जेक्ट्स ESI, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इन 76 चैप्टर्स, ठीक है। नाउ some of you might must be from commerce background, some of you must be preparing for UPSC, so those who are preparing for UPSC are well aware of the topics from ESI, economic and social issues, and also some of the chapters like banking, like basic financial market, uske bare mein to aapne UPSC mein bhi padha hoga, to 76 chapter mein se aapko actually padhne padenge mushkil se 30-40 chapter, theek hai, and those who are from the commerce background unko उनका फाइनेंस ऑलरेडी स्ट्रांग होगा, मैनेजमेंट ऑलरेडी स्ट्रांग होगा, उनको हो सकता है थोड़ा सा ESI में मेहनत करनी पड़े। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से इज दैट इफ देयर आर 76 चैप्टर्स, सो इन 3 आवर्स कांट यू डू 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स तो किए जा सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, आपको स्पीड भी तो बढ़ानी पड़ेगी अपनी, अगर आप 2 चैप्टर कर लो एंड देयर आर वेरियस चैप्टर्स विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब हो सकता है उसमें से क्वेश्चन ना ही आए या फिर रिपीटेटिव भी हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन ESI में भी है, फाइनेंस में भी है, राइट, इस तरीके से। तो आपको कितना दिन लगेंगे, 38 डेज लगेंगे, तो मैंने आपको 30 दिन दिए, why? Because some chapters are not that important, जिसको आप हो सकता है 3 घंटे में 3 चैप्टर्स भी कर लो इन सम केसेस, राइट। और अभी अगर मैं एनरोल्ड स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई साहब अभी आपका रिविजन सेशन चल ही रहा है तो आपको तो ये सब कुछ आता ही होगा, तो 76 चैप्टर्स को आपने 30 दिन में कवर कर लिया, राइट, तो 3 घंटे में ये हो गया। अब 30 दिन, अभी यहां पे आपके पास 30 दिन और बच रहे हैं, यहां पे आपके पास 30 दिन और बचे हैं। अब जो अगले 3 घंटे उसमें आपको देना है ध्यान किसके ऊपर, करंट अफेयर्स और स्कीम्स के ऊपर, राइट, करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स, बिकॉज स्कीम्स आर नाउ बीइंग आस्क्ड इन फेज 1 एज वेल, तो भाई साहब आप स्कीम को इग्नोर नहीं कर सकते। 1 घंटा आपको देना है स्पॉटलाइट को, 1 घंटा आपको देना है PIB एंड RBI को, 1 घंटा आपको देना है स्कीम्स को। Now you must be wondering, यार इतना सारा क्या मैं 1-1 घंटा करके कवर कर लूंगा, कर लूंगा। देखो 1 आवर आप स्पॉटलाइट को दे रहे हो, लेट से ऑन एन एवरेज 1 स्पॉटलाइट कंटेन्स 120 पेजेस, ठीक है, समटाइम्स इट मे बी मोर और लेस, 120 पेजेस, लेट से यू आर रीडिंग 20 पेजेस इन 1 आवर, भाई ये तो कर ही सकते हो, इतना एहसान तो अपने ऊपर कर सकते हो,
20 पेजेस इन वन आवर, 6 डेज में आपकी एक महीने की स्पॉटलाइट खत्म हो जाती है। कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में अगर आपकी एक स्पॉटलाइट खत्म हो रही है, ठीक है, तो 4 स्पॉटलाइट आप एक महीने में खत्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। और एक दिन, चलो मैंने आपको रिवीजन कर दिया, 7 दिन दिए मैंने आपको, तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं, राइट? 2 दिन फिर भी बचते हैं, तो एक महीने में 4 महीने की स्पॉटलाइट आप इजिली कवर सकते हो अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ रहे हो स्पॉटलाइट। तो ये क्या पॉसिबल नहीं है? 20 पेजेस नहीं पढ़ पाओगे 1 घंटे में? एंड देयर विल बी सम डेज व्हेन यू विल रीड 25 और 30 पेजेस आल्सो, तो वो 5 दिन में भी कवर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इज इट रियल और नॉट? क्या मैं कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं? नहीं कर रहा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट PIB एंड RBI, PIB में अराउंड महीने के 70-80 पेजेस होते हैं, और सेम विद RBI, दोनों मिला के मान लेते हैं 200 पेजेस हैं, दोनों मिला के मान लेते हैं हमारे पास 200 पेजेस हैं। अगेन ये ऐसी PDFs हैं, ये इतनी सिंप्लीफाइड होती है और उसमें फैक्ट्स भी कम होते हैं, तो और आप वीडियोस भी देख चुके होते हैं, तो अंडरस्टैंडेबल चीजें होती हैं। तो एक दिन में इसमें 30 पेजेस आराम से पढ़े जा सकते हैं, 7 दिन में इसको भी खत्म किया जा सकता है, यानी कि एक महीने में, अगेन 4 महीने का, तो 2 महीने में 8 महीने का खत्म इतना ही करना होता है, और इसमें 2 महीने में भी 8 महीने का खत्म, जो कि करना भी नहीं है आपको। मैं तो कहूंगा स्पॉटलाइट 6 महीने की करके जाओ बस, तब भी आपके पास 15 दिन बचेंगे फॉर योर रिवीजन, बिकॉज ये 60 डेज का प्लान हो रहा है ना भाई। 60 डेज का प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 घंटा आप डेली स्पॉटलाइट पढ़ोगे अगर, और ऑन एन एवरेज 120 पेजेस है, एक दिन में 20 पेजेस पढ़ोगे, तो 1.5 महीने में आपका 6 महीने की स्पॉटलाइट आपकी खत्म हो जाएगी, 15 दिन फिर बचेंगे रिविजन के लिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है। अब ये 1 घंटा स्कीम्स का देखो, जो हमारे कोर्स में स्कीम के डॉक्यूमेंट है उसमें अराउंड 400 पेजेस है टोटल। फिर से पकड़ लो, डेली का 1 घंटा पढ़ रहे हो, इसमें भी यू कैन इजिली रीड 30 पेजेस अ डे, 30 पेजेस अ डे इसमें आराम से पढ़ा जा सकता है। 30 पेजेस पढ़ोगे, ठीक है, तो कितने दिन है आपके पास? 60 डेज है, 30 पेजेस आप एक दिन में पढ़ रहे हो, 30 × 60 कितने हो गए? 1800 पेज तो पढ़ने ही नहीं है भाई, 1800 पेज पढ़ने हैं क्या? 30 पेजेस आप एक दिन में पढ़ रहे हो, तो कितने दिन लगेंगे आपको 400 पेज खत्म करने में, बताओ? बहुत सिंपल है ये, तो ये भी आराम से किया जा सकता है। तो डोंट यू थिंक कि ये, अगर आप इस तरीके से इसको तोड़ के चलोगे तो आराम से काम आपका हो सकता है। नाउ रिमेंबर, यहां पे 30 दिन बचे हुए थे, यहां के जो 30 दिन बचे थे उसका भी इस्तेमाल आप करोगे किसके लिए? टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स के लिए। नाउ व्हाट इज दिस टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स? टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर बजट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, NFHS 5 हो गया, PLFS हो गया, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, ठीक है, सेंसस हो गया, बाकी चीजों के लिए। समझ में आ गया? तो बाकी जो यहाँ पे 30 दिन बचे थे उसका इस्तेमाल आप यहाँ करोगे। अब मुझे ये देख के बताओ कि ये सब करने के बाद क्या कुछ बच गया आपके पास जो कि आपको कवर करना है फॉर RBI, बताओ? आई डोंट थिंक कि कुछ बचा। तो देखो ये रियलिस्टिक है, इसको आप कर सकते हो इफ यू हैव अ प्लान। एंड आई एम अगेन सेइंग, हो सकता है आप में से कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि 8 घंटे ना दे पाए, तो आई एम सेइंग ना कि आवर्स में वेरी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ठीक है। अब आप कहोगे भाई आंसर राइटिंग कब करें, तो फेज 1 के बाद करना आंसर राइटिंग, जैसी फेज 1 आपका हो जाता है, राइट फ्रॉम द डे जब आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिवाइज करना शुरू कर दो सिलेबस को, करंट अफेयर्स को, स्कीम्स को, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो डेली, और कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगा के जाओ। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। बट अभी जो 60 डेज है बचे हुए उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया विद अ वेरी यू नो, ये बहुत इजीली फॉलो हो सकता है अगर आपने मेरी चीजों को, मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुना है तो, राइट? सो आई होप गाइस दिस वीडियो इज विल बी ऑफ सम हेल्प टू यू, एंड टेक अ डीप ब्रीथ। अगर आपने थोड़ा, आपका बैकग्राउंड है आइदर UPSC का, और यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, और यू आर अ बैंकर, और यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर RBI और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी, then it is possible for you to crack this examination in 60 days, but with that proper right strategy. ये एक example था जो कि मैंने आपको बताया, the 480R strategy. Maybe you have your own strategy जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर work करे, right? So please try to do it like this. Forget about the mountain of syllabus, forget about the ocean of syllabus, because you don't have to cover the entire syllabus in one day only. आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको एक दिन में सारा कवर करना है, यू हैव टाइम, ठीक है जी।
थोड़ा 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 थोड़ा, वो कहते हैं ना कि ईट ईट जोड़ के ही घर बनता है, तो आपको वही ईटें जोड़नी है, थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। इकट्ठे कूदोगे अगर 10वीं सीढ़ी पे तो पक्का नीचे गिरोगे, डेफिनेटली। तो एक एक स्टेप करके आगे चढ़ो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा डिटरमाइंड होके पढ़ाई करो, दैट इज ऑल। ऑलराइट, सो ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा था। मिलते हैं फिर अगली किसी ऐसी ही एक वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।